हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। और इस बार रक्षाबंधन पर हम घर गए तो हमें अपने राजस्थान करौली के लोकगीत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और पहले तो कभी नहीं सुने, लेकिन इस बार सुने तो इन्होंने दिल जीत लिया। बहुत ही पसंद आए मुझे तो। आप भी पूरा सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रसंग है महाभारत का। जब पांडव पूरी महाभारत जीत जाते हैं, उसके बाद उनको एक घमंड हो जाता है, तो कैसे कृष्ण भगवान उनके घमंड को उनको समझाकर कैसे तोड़ते हैं, इसमें पूरे प्रसंग को हमारी लोक भाषा में समझाया गया है। बहुत ही पसंद आया और आपको भी पसंद आएगा, पूरा जरूर देखिएगा। पानी का साधन अवश्य मिलता है, भीम पानी पीने गया है। आप सभी लोग पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब में नीचे हाथ बढ़ाए, दोनों पैर फिसल गए, भीम अंदर पानी में गिर जाता है। क्या होता है भैया? गिरो ताल में जाए थाग, पानी को नहीं पायो, डूबक डूबा हुए पुत्र कुंती को घबरायो। भीम जी सुन कर के आवाज और छोड़ी तरवर छान, ताल पे आ पहुंचे ब्रजराज, तुरंत पीतांबर पकड़ाई। वाकरे बाल से भय भीम जी जान बची भाई, कृष्ण से न्यू बोले वाणी, अरे तुम नहीं आते दौड़ भीम की जाती जिंदगानी। ताल ये कौन बनवायो, मेरी एक पेच नहीं गई, थाग पानी को नहीं पायो। आए गए मन शर भागे और भीम ताल में गिरो, तमाशा देख रहे सारे ऐसे बदलाए। और वहां तुम्हारो नाम गाओ, यहाँ का कारण आए बतायो। श्री कृष्ण ने गाओ, ये भीम बलि है संग हमारे, मोहन मेरो नाम, भयो अपि महाभारत भारी। वा गुरु क्षेत्र में भीम बतायो सबसे बलधारी, बता रहे ऐसे अविनाशी। सिंजलो भगवान को पुकार करता है, भीम की आवाज को सुन के भगवान दौड़ते हुए आते हैं। देखने लगे रे, आज कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा गदाधारी योद्धा भीम पानी में डूब रहा है, अपनी पीतांबरी का छोर पकड़ाया और भीम को तुरंत पानी से बाहर निकाल लेते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे तालाब देखे हैं, लेकिन ये जितना गहरा तालाब है ऐसा तो आज मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। यदि आप मेरे साथ नहीं होते तो आज मैं इस पानी में डूब के मर जाता, मेरा पता भी नहीं चलता इस पानी में कौन डूब के मर गया। सिंजलो, तब तक लंका के नरनारी राक्षस वहां जाते हैं और भगवान से कहने लगे, महाराज आप कौन है या कैसे आए? और अभी जो ये पानी में डूब रहा था, जो आपने पीतांबरी को पकड़ा के इसको बाहर निकाला है, ये कौन है, क्या मामला है? भगवान कहने लगे, भैया हम तो अस्तुनापुर से आए हैं और अभी जो ये पानी में डूब रहा था, ये कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा गदाधारी योद्धा भीम है। की बात सुनते हैं तो लंका के राक्षस ताली दे देके हंसने लगे और कहने लगे, महाराज यदि इस योद्धा के साथ आज आप नहीं होते तो योद्धा का इस पानी में डूब के काम तमाम हो जाता। महाराज आपने इसकी झूठी प्रशंसा करी है, ये कोई योद्धा नहीं। जब राम रावण के बीच में युद्ध चला था, वो युद्ध कितना भयंकर था, तो सुनो लंका के राक्षस क्या कहते हैं। निशाचर बोले, मोहन से सुनो दी बात हमारी, और कैसे आने भारत की तो झूठी बात तुम्हारी। सुन लो त्रेतायुग की बात, यहाँ चढ़ के आए रघुनाथ, इतकु दस कंदर बलवान, उतकु राम लखन हनुमान। भारत हो गयो ये खेतन में, और रण में जोधा मरे बिखर गई हड्डी ये रेतन में। निकले कुंभकर्ण के प्राण, देख लो आज भी प्रमाण, के काया तीन जगह से काटी, जो अग पर हाथन से डाटी। जो एकदम नीचे गिर जाते हैं तो ये भीम श्री के एक लाख नीचे दब के मर जाते। तुमसे झूठ जरा नहीं बोली, और कटी खोपड़ी कुंभकर्ण की ठोकर खाती डोली, थी ये त्रेता युग में
छोड़ी, रह गई टूट फूट है थोड़ी, बरसातर सी भर दो पानी, और नहीं है कोई काल युद्ध भी है प्रत्यक्ष निशानी। अरे या पानी में डूब आज मर जा तो बलधारी, तो बिना बात महाराज भीम की भीम है दारी। ये कोई तालाब नहीं है, ये तो राम रावण के बीच में जब युद्ध हुआ था, रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण जब वो मरा था तो उसकी खोपड़ी और घर से करके अलग हो गई, ये उसकी खोपड़ी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये पहले तो काफी विशाल थी, लेकिन समय के चलते ये काफी कम हो गई, वर्षा का इसमें पानी भर गया। महाराज ये कोई ताल तलैया नहीं है, ये तो कुंभकर्ण की खोपड़ी है। और आप कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा गदाधारी योद्धा है, यदि इस योद्धा के साथ आप नहीं होते तो आपका ये सबसे बड़ा गदाधारी योद्धा आज कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब के मर जाता, इसका पता भी नहीं चलता। अरे एक योद्धा दूसरे योद्धा की खोपड़ी में डूब के मर जाए, उसे योद्धा नहीं कहते। आप तो इसकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। सज्जनों, इतनी बात तो सुन के भीम लाचार हो गया, भगवान के चरणों में गिर जाता है। विचार करता है, जिस योद्धा की खोपड़ी में डूब के आज मेरा काम तमाम हो जाता तो अनुमान लगाया जा सकता है वो युद्ध कितना भयानक युद्ध हुआ होगा। तो सज्जनों, भीम भगवान से क्या कहते हैं? भैया कुरुक्षेत्र में झगड़ो हो गए, जो ना भीम बतायो, कुंभकर्ण की पड़ी खोपड़ी जाको ना भाग न पायो, निश्चल हट में दे दे तारी हो गई भीमसेन से भारी। ठाडो सोच करे निज मन में, होकर कैलाचार की उदित मोहन का चरण में, मेरी सुनो कृष्ण भगवान, कियो मैंने झूठो अभिमान, जान कर के मोकु अज्ञान, क्षमा को देव दास को दान। ये भीमसेन जो कहे देख रही रावण की लंका, पांचों पांडव भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महाराज हमें झूठा अभिमान आया था, आज समझ पाए कि जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हे महाराज, आपने हमको कुमार्ग पे जाने से बचाया, शरण मार्ग पे लगाया, हम आपका कभी एहसान नहीं भूलेंगे, आप तो भक्तों की सदा रक्षा करने वाले हैं। सज्जनों, गीत से यही शिक्षा मिलती है, चाहे मनुष्य कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये मैं मत लगे, मैं बुरी बनाए, मैं बगला ने कही कठो फसाई जाए, ऊंचो बनबो छोड़ दे मत बेचे तू हीन, कोई दिन ऐसे जाए गो जिस गयो घटा से सीन। भाई पायोन पार लीला पार बाप रखवाए की, बोलिए